हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ऑर्चर्ड में जब हम मल्चिंग कर रहे थे तो मल्चिंग के मशीन की चपेट में ये पौधा आ गया। ये आप देखिए, इसका पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की स्किन इसकी ख़राब हो चुकी है और चारों तरफ से ही ख़राब हो चुकी है। ये आप देखिए, तो ऐसे में अब इसकी सैप की सप्लाई जो है पूरी तरह से बंद है। कहीं से भी इस अपर पोर्शन को सैप नहीं मिलेगा और इन परिस्थितियों में इसका सूख जाना निश्चित और स्वाभाविक है। तो इसको बचाने के लिए हम एक कोशिश करेंगे और 90% चांस है कि उस टेक्निक से ये पौधा जो है हमारा सरवाइव कर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसका इलाज हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन काटना है और देखना है कि ये कहाँ तक सूख के जा चुका है। और ये ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ चुका है और पेड़ जो है काफ़ी हद तक सूखने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं छोड़नी है और इसको बचाने का पूरा प्रयास करना है। हम इसमें देखेंगे कहां तक सड़ा हुआ है। तो बहुत नीचे तक लगा है बेटा, धागा भी इसमें तो यहां तक लगा है। देखो, कम से कम इस जगह तक। कोई बात नहीं है, जहाँ भी हमारे को इसमें अलाइव स्किन मिलेगी हम इसको वहाँ तक काट लेंगे। और अपर पोर्शन में भी हमने इसी तरह से इसको सीधा काट लेना है। इस तरह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें ग्राफ्ट इंजेक्ट करने का। नहीं, ग्राफ्ट इंजेक्ट क्या होता है? हाँ पापा, देखो बेटा कैसे करते हैं इसमें ग्राफ्ट इंजेक्ट। आप भी देखो, पता नहीं को तो मेरे को भी छेना आता है। ये तैयार है इसके लिए अब मैन मेड इंजेक्शन। इसकी स्किन उठानी है पूरी कैम्बियन लेयर तक, जिससे कि हमारी ग्राफ्ट इसमें आसानी से इंजेक्ट हो जाए। टीरेक्स काला का पौधा है M9 पे, लेकिन मल्च करते हुए इसमें धागा लग गया। ये एक कोशिश है और इसमें 90% चांसेस है कि पेड़ रुक जाएगा। पापा कुछ बोल रहे हैं मम्मा। हाँ कर दो, ये लो। टेक्निक सिंपल सी है, नीचे की पोलन साइड जो है सैप को अपने में स्टिक में लेके अभी थोड़ा टाइट है सैप, पूरी तरह से फ्लो में नहीं है इसीलिए थोड़ा अड़ रही है।
तरह से इसको अब पूरी तरह से रैप कर देना है। मिट्टी क्यों लगा रहे हो बेटा? यहाँ से हवा के लिए जगह रह जाती है, नहीं तो फिर इसके रुकने के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए। ये हो गया। इसको नीचे से आपको शाम को वीडियो बनानी थी। शाम की तो शाम को देखेंगे, अभी फिलहाल इस काम को कर लेते हैं। यहाँ भी सेम, खड़े उठे बनाओ, खड़े उठ के ठीक है ऐसे। इतने देर से बना रहे हो? कोई नहीं बेटा, तो काम 21 भी हो गया था 100 तक, फिर से 21 नहीं आ रहा है। 21 की लाइन आ गई, फिर से 37 39 40 41 42 43 44 45 47 48